हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करते हैं स्टडी पावर पॉइंट की एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बनाया जा रहा है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अप्लाइड मैथ फर्स्ट का भाग अध्याय जो हमारा चैप्टर है वो 17 है, इसका ध्यान है भाग जो भी हो पार्ट नंबर। लेकिन अवकलन की देखिए कई दिन से सीरीज चल रही है, कई दिन से मतलब कई टॉपिक्स चल रही हैं, क्योंकि इसमें भाई अवकलन का एक बड़ा टॉपिक्स है, ठीक ना। इसलिए हर पार्ट पर जो भी आधारित क्वेश्चन है सबको बताया जा रहा है ताकि आप अच्छे से सीख सके। ये मत सोचना कि अवकलन भाई ये की ऐसा है वैसा है, ठीक ना। तो सबसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है, और इससे भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन जो आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे इन सब नियम का यूज होता जाएगा। जैसे आज का हमारा टॉपिक है दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक, और दूसरा टॉपिक है दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। तो दोस्तों आज की अपनी टॉपिक ये रही है, तो दोनों बताएंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती हो जाए। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी देंगे आपको, इसका मत सोचना कि वैसे ही चले जाएंगे, क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वाला भी लेकर मतलब हल करने के लिए देंगे जिससे आपको हो जाए। देखिए, अगर दोस्तों एक फलन है जो कि मान लो ऐसा कोई फलन दे दे वाई बराबर यू भी, ऐसे कुछ करके फलन दे दे, ठीक ना। वाई बराबर मान लो ऐसा कोई फलन दे दे यू भी, एक ही में है यू भी फलन दे दिया। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे करोगे ना, मान लो यू भी इक्वल टू करना है, तो दोस्तों आप क्या करोगे, जब डी अपान डी एक्स यू भी करोगे ना, तो ये फलन क्या बनता है, ये फलन होता है दोस्तों यू को ऐसे रहने दो, ठीक, इंटू में लिखो डी अपान डी एक्स भी, ठीक, प्लस का चिन्ह लगाओ भी लिखो, इंटू में लिखो डी अपान डी एक्स और यू। दोस्तों यही चीज होती है, यानी क्या इसका मतलब हुआ प्रथम, ठीक ना, प्रथम फलन इंटू मतलब वही क्रॉस करके डाट करके जो भी लगा लो, इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक। क्या हमने बताया, द्वितीय फलन का अवकल गुणांक, अवकल गुणांक, ये चीज हो जाती है दोस्तों अवकल गुणांक। अब इसके बाद क्या करना है, आपको प्लस चिन्ह लगाने हैं। इसके बाद क्या लिखना है, द्वितीय फलन, आपको क्या लिखने हैं, द्वितीय फलन, एक बार दूसरे को हो गया तो प्लस चिन्ह लगता है, इसका ध्यान है, द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का, इसी में है दोस्तों, ये मैं सोच रहा हूं दूसरी जगह, इसी में प्लस करके है, यही चीज मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक ना, हिंदी में प्रथम फलन का फार्मूला याद कर लो, जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीख लेंगे, ठीक ना, प्रथम फलन का अवकल गुणांक, अवकल गुणांक। तो ये चीज गाइस आपकी हो जाएगी, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया किसका, हमने ये फर्स्ट वाले का दोस्तों पढ़ लिया, इस वाले का पढ़ लिया भाई, कि दो फलन अगर गुणन में हैं तो उनका अवकल गुणांक हम कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों देखिए, अगर दो एक फलन हमारा है, एक फलन मान लो y इज इक्वल टू दिया गया है, वो क्या दिया गया है, u अपान में भी दिया गया है, तो इसका अवकल गुणांक कैसे करते हैं, दोस्तों इसका अवकलन करते हैं d अपान डी एक्स, मान लो ऐसे ही करेंगे d अपान डी एक्स, और यहाँ पे u और v है, तो इसका जो होता है दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले v को लिख लो ऐसे ही, u का अवकलन कर दो, यानी d अपान में डी एक्स और u हो जाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाओ, u लिखो d अपान डी एक्स लिखो, यहाँ पे v लिखो, नीचे क्या लिखोगे, v का स्क्वायर लिखो, यानी भागफल में जब रहेंगे तो इस नियम का यूज करते हैं। यानी क्या इसका मतलब, देखिए क्या होगा, ये जो आपका क्या, ये हर है आपका, हर हो गया, इंटू में क्या, अंश का अवकल गुणांक, अंश का अवकल गुणांक, अंश का अवकल गुणांक कर लेंगे आप, ठीक है ना, अंश का अवकल गुणांक, माइनस दोगे, फिर देखो क्या था आपका, हर था, अब इसके बाद क्या, अंश ही आ गया, तो अंश लिख दो यहां पे, ठीक, इंटू हर का अवकल गुणांक, हर का अवकल गुणांक, हर का अवकल गुणांक, बटे में क्या हो जाएगा, जो आपका हर क्या था, हर था, आपका हर का हो जाएगा क्या, इस पर। तो इस तरीके से गाइस आपका ये फार्मूला हो जाते हैं, ये दो फार्मूले जिन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस अब प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे हम एक क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, छोटा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मान लो मल्टी टाइप का ही क्वेश्चन है, जैसे शामिल इसमें है ई पावर एक्स शामिल है और साइन एक्स शामिल है, ठीक, साइन एक्स शामिल है, प्लस यक्स पावर यन शामिल है, इंटू कॉस यक्स शामिल है, ये चीज है, और कह रहा है दोस्तों यक्स के सापेक्ष, क्या कह रहा है, यक्स के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन करना है, यानी अवकलित करना है, ठीक ना। तो आपके यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, मान लेंगे क्या, वाई इज इक्वल टू ई पावर यक्स साइन यक्स प्लस यक्स पावर यन इंटू कॉस यक्स, ये चीज दोस्तों हो जाएंगी।
अब देखिए, अब इसको नहीं कि ऐसे तैसे कर लेंगे, इसमें फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ता है। तो दोस्तों इसको मैं क्या कर लूँगा, इसको मैं फर्स्ट मान लूँगा, इसको सेकंड, फिर इसमें भी इसको फर्स्ट मान लूँगा, इसको सेकंड। इसको भी माना जाता है फर्स्ट, इसको सेकंड, लेकिन वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है किस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए यही चीज़ मानी जा सकती है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। ठीक, तो हमने क्या क्या, पहला फलन यानी ई पावर एक्स, दूसरे का अवकलन यानी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस देखा ध्यान से, पहला फलन, दूसरे का अवकलन, दूसरा यानी साइन एक्स, ठीक है, यानी और इंटू ई पावर एक्स हो जाएगा, इतने का हमने अवकलन कर दिया। प्लस इसका जब करना हो क्या, पहला फलन यानी एक्स पावर एन ऐसे रहेगा, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, देख सकते हो, फिर प्लस होगा दूसरा फलन, ठीक, देखा, पहला दूसरा यानी कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू में हो जाएगा यन एक्स के पावर यन माइनस वन, और दोस्तों आपका आंसर ये हो जाएगा। तो आपने देखा ना कितने अमेजिंग तरीके से हमने यहाँ पे सब कुछ सॉल्व कर लिया। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये नहीं कि अब यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आंसर, लेकिन यहाँ पे ई पावर एक्स कामन कर सकते हो, यहाँ एक्स पावर एन कामन कर सकते हो, ये चीज़ कामन करके भी आंसर लिखा जा सकता है, और यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, इससे घबराना आपको नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दोस्तों, एक दूसरा क्वेश्चन लेके समझाता हूँ जिससे आपके दिमाग में मतलब सही से समझ में आ जाए। वो क्या है, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया, यक्स दिया है और दिया है सेक यक्स दिया है, ठीक है। अब देखिए, जैसे यही आपके सामने क्वेश्चन ना कर रहा है, यक्स का पे चौकलन करो। तो दोस्तों अगर इस कंडीशन की बात आए तो इसमें वो चीज़ को सेलेक्ट करते हैं जो मान लो इसको हम पहला मानेंगे, इसको दूसरा। देखिए अगर मान लो यही चीज़ लिख कर आता ऐसे, सेक यक्स होता इंटू में यक्स होता, तो मैं इसको पहले मानता, इसको सेकंड, ऐसा इसलिए कि मैं अगर यक्स का अवकलन करूँगा एक बार में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको दूसरा मान लूँ और इसको पहला, तो ये देखो बढ़ने लगेगा। तो जो भी करना भाई यहाँ मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। इस तरह से इसको समाप्त करना होता है, यानी कि बढ़ाना पड़ता है, ठीक ना। तो क्या करोगे, मानना पड़ेगा, पहले मान लोगे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स शेक यक्स हो जाएगा। अब इसका जब अवकलन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखो हमने इसको पहला माना ना, तो यक्स ऐसे लिखो, सेक यक्स का क्या होता है, सेक यक्स का होता है गाइस आपका सेक यक्स इंटू टेन एक्स, तो आ जाएगा, देख सकते हो सेक यक्स इंटू हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा। प्लस होता है पहला इंटू दूसरे का अवकलन हमने कर लिया, अब दूसरे को लिख दो, यानी सेक यक्स हो गया। अब यक्स का जब करोगे तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यानी डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो, सेक यक्स कामन हो रहा है तो इसको कामन करके लिख दो, सेक यक्स कामन कर लिया तो यक्स टेन एक्स हो जाएगा, प्लस वन हो जाएंगे और आपका आंसर ही हो जाएगा। तो आपने देखा ना कितने अमेजिंग तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। आइए हम एक दो क्वेश्चन और बताते हैं जो कि भागफल पर आधारित क्वेश्चन है, उसको सीख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर तीन है, क्वेश्चन नंबर तीन आपके सामने दिया गया है, ई पावर यक्स माइनस वन अपान में ई पावर यक्स प्लस वन, कह रहा है यक्स सापेक्ष अवकलन करके हमको बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे भाई हमने मान लिया, मान लिया क्या, ई पावर यक्स माइनस वन अपान में ई पावर यक्स प्लस वन मान लिया। अवकलन अब करना स्टार्ट करो, डी वाई बाई डी एक्स ये भागफल वाला है। तो हमने क्या बताया, पहले ए वाला जो नीचे चीज़ जो हर होता है उसको लिख देते हैं, यानी ई पावर यक्स प्लस वन हो जाता है। अब जब इसका करोगे ई पावर यक्स माइनस वन का, तो ई पावर यक्स का ई पावर यक्स ही होगा, माइनस वन का जीरो हो जाएगा। माइनस चिन्ह लगाते हैं तो माइनस लगा दो, फिर दूसरे में अंश कर लिया तो हर, तो इस वाली चीज़ को लिखते हैं फिर इसका करते हैं, यानी ई पावर यक्स माइनस वन हो जाएगा, और इसका मतलब ये जो नीचे वाले का अवकलन अब एक बार करते हैं तो ई पावर यक्स यहाँ पे देख सकते हो आ जाएगा। उसी तरीके से जब नीचे का करोगे तो ई पावर यक्स होगा प्लस वन होगा, इसका होल स्क्वायर कर दिया था, अवकलन हो चुका। कुछ चीज़ें कामन हो रही है उनको कामन कर लिया जाए, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे कामन ई पावर यक्स देख सकते हो, कामन हो रहा है तो कामन कर लो, इधर से बचेगा ई पावर यक्स प्लस वन, यहाँ पे जब इसको खोलोगे तो माइनस ई पावर यक्स बचेगा प्लस वन बचेगा, और इधर क्या बचेगा, ई पावर यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये चीज़ बचेगी। अब देखिए क्या हुआ, ई पावर यक्स से ई पावर यक्स कैंसिल हो गया, यानी आपको टोटली क्या मिलेगा, टू ई पावर यक्स अपान में ई पावर यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और गाइस आपके आंसर ये हो गए। तो देखा आपने ना कितने अमेजिंग तरीके से इसको करते हैं क्वेश्चन को। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। मान लो एक अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, मान लो चौथा क्वेश्चन है, ये दिया वन माइनस टेन यक्स अपान में वन प्लस टेन यक्स करते हैं, ठीक इस तरीके का दिया है, करा यक्स सापेक्ष अवकलन करके बताओ। देखो अगर वाई बराबर दिया, बराबर वाई दिया रहता तो हम कुछ नहीं लिखते, लेकिन नहीं दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। हम लिखेंगे माना वाई इज इक्वल टू वन माइनस टेन एक्स अपान में वन प्लस टेन
एक्स हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी। अब देखिए इसका अवकलन करोगे यार तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, देख लेना। अब नीचे वालों को मतलब जो ये हर होता है इसको एक देखो न्यूमिनेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है। अब कौन सा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मुझे इंग्लिश वाला भी नहीं पता, लेकिन हिंदी में पता है कि इसको अंश बोलते हैं इसको हर बोलते हैं, शायद इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऐसा ही कुछ है ठीक ना। क्योंकि पहले न्यूमिनेटर आता है तो न्यूमिनेटर इसको बोलते हैं, शायद डिनोमिनेटर इसको। तो आपको क्या डिनोमिनेटर दिया गया इसको आपको लिख लेना है, यानी वन प्लस टेन एक्स लिख लेना है। अब इसका एक बार अवकलन कर देना है, अवकलन कर देगा वन का जीरो होगा, टेन एक्स का करोगे सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएंगे। अब माइनस का चिन्ह आता ही है तो माइनस लगा दो। फिर क्या करते हैं ये जो इसको होता है इसको लिख देते हैं, मतलब ये जो नॉमिनेटर है वन माइनस टेन एक्स हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर का अवकलन कर देते हैं, टेन एक्स का करोगे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएंगे, देख सकते हो बटे में क्या होंगे वन प्लस टेन यक्स होंगे और इसका होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अब देखिए जो चीज़ जिसे सेक स्क्वायर एक्स कामन हो रहा है तो कामन करो यार, सेक स्क्वायर एक्स कामन हो रहा है अब देख सकते हो, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो माइनस वन माइनस यहाँ पे देख सकते हो माइनस जाएगा और माइनस टेन एक्स हो जाएंगे ठीक। यहाँ पे जब करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे प्लस टेन एक्स हो जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएंगे। करना क्या है देखो टेन वाला टेन से कट रहा है काट दो, माइनस बचा तो माइनस पकड़े रहो, माइनस टू हो जाएगा देख सकते हो, यहाँ पे टू ओनली बचेगा, ये सेक है तो पकड़ लो भाई सेक स्क्वायर एक्स है बटे में वन प्लस टेन ठीक है टेन एक्स है का होल स्क्वायर, और गाइस आपके आंसर यही हो जाएंगे। तो आप देख रहे ना कितने अमेजिंग तरीके से हम लोग सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं और अपने रिजल्ट को हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो यार देखो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे भाई साहब एक दिए हैं कॉट का बताओ, कह रहे हैं कि पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है कि कॉट यक्स का हमें बताओ कि अवकलन क्या होगा ठीक ना कॉट एक्स का। हालांकि हम लोग सिंपल से जानते हैं कि कॉट एक्स का भी होता है कि माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ठीक ना कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन अगर इस वाले नियम से करोगे तो कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको मानना पड़ेगा, मान लो वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स है तो इसको आप लिख सकते हो कॉस एक्स अपान में साइन एक्स ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो जब ए वाले फॉर्म में चेंज हो गया है बराबर वाई तो चल ही रहा है, तो जब ए वाले फॉर्म में होगा तो इसके मतलब भाग विधि लगा देंगे भाई, भाग विधि से करके ये चीज़ प्राप्त करेंगे। देखो कैसे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, आपको पता है साइन एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं यानी डिनोमिनेटर को, आप नॉमिनेटर का क्या करते हैं अवकलन करते हैं, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस का चिन्ह देंगे, फिर क्या करते हैं नॉमिनेटर को लिख देते हैं, वैसे डिनोमिनेटर का अवकलन करोगे तो कॉस का कितना हो जाएगा या साइन का आपका बेसिकली सा हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे गाइस। फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बटे में साइन एक्स का ठीक है, साइन एक्स का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स ऐसे बोल सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया माइनस दोनों में तो माइनस को कॉमन कर लो, आपका देख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हमने डायरेक्ट थोड़ा सा किया माइनस कॉमन करके और यहाँ पे साइन एक्स हो जाएंगे ठीक, साइन स्क्वायर एक्स आएंगे। तो अब इसको देखो इसका मान वन होता है तो क्या हो जाएगा माइनस वन अपान में साइन स्क्वायर एक्स, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो गाइस आपका जो आंसर यही हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से कुछ नहीं करना है, सिंपल सा स्टेप फॉलो करने हैं। अब देख लो सकते हो कि यहाँ पे सारे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, हालांकि हमने ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चन बता दिए, तो इसी तरीके से यार देखो इस तरीके की भी क्वेश्चन से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको लिए एक क्वेश्चन और भी बता देता हूं, जैसे मान लो ये मैं छठा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्स क्यूब है लॉग ई एक्स है तो इसको लिए मैं ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लो छठा क्वेश्चन ही सेलेक्ट कर लिया हमने, छठा क्वेश्चन आपके लिए मान लिए ये दिया इन्होंने एक्स पावर थ्री लॉग ई एक्स, इसका हमें अवकलन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, हमने यही कहा कि हमें मान लेना पड़ता है ठीक ना, लेट ठीक है माना वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग ई एक्स, अगर हम लॉग ई एक्स को फर्स्ट मानते हैं तो हमें काफ़ी आसानी होगी इसको सेकंड मानते हैं, क्योंकि इसको जब करेंगे तो कम होगा और लॉग ई एक्स वन बाई एक्स होगा जिससे कम थोड़ा सा और हो जाएगा, तो क्या होंगे डी वाई बाई डी एक्स इस कंडीशन में ऐसा मानना है। तो पहला फलन देख सकते हो लॉग ई एक्स है तो लॉग ई एक्स को ऐसे रहने दो ठीक है, लॉग ई एक्स को आपको रहना देना है, पहला फलन लॉग ई एक्स इंटू दूसरे का अवकलन कर लोगे तो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ठीक ना पहला इंटू दूसरे देख सकते हो पहला इंटू दूसरे का, अब दूसरे को लिख दो यानी एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू इसका अवकलन करो तो वन अपान एक्स हो जाएगा, इसको किसी को भी मान सकते हो ऐसी जरूरी बात नहीं, मान लेना जो भी, बस सिंपल सा हल करने आना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स कर लेना, अब देखो इसको सॉल्व करोगे थ्री एक्स स्क्वायर लॉग ई एक्स आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो प्लस एक्स से एक इसका पावर कट जाएगी तो एक्स पावर टू बचेगा और आपका आंसर ये हो जाएगा कुछ इस तरीके गाइस। अब देखिए इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि मैं बता दूं आपको क्या,
जैसे देखो यक्स ई पावर यक्स साइन यक्स है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना है, किसी दो को पहले तो दो को एक साथ कर लो, फिर इसके अंदर भी दो को एक साथ कर लेना, तो आपके रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। कैसे, जैसे मान लो यक्स ई यक्स को एक साथ ले लेना, मतलब पहले तो इन दोनों को एक मानना, फिर इसको दो मानना, तो इस तरीके से कर दोगे, फिर लास्ट में ये चीज़ बचेगी नहीं होगी, इसमें भी फर्स्ट सेकंड लगा देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से देख सकते हो भाग विधि के लिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं इस वाले को। चलो एक ये वाला भी क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि इस टाइप का मैंने एक भी नहीं बताया, 2017 में ये चीज़ शायद पूछी गई है, तो इधर से देख सकते हो। मान लो ये वाला बता रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा टाइप का ये है, तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये बड़ा टाइप का क्वेश्चन। तो चलो तीसरी कसके हमको हमारा कौन सा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन कहलाएगा। तो देख सकते हो कि अगला क्वेश्चन है, इन्होंने दिया है 3x² + 2, ये तो बड़ा है इसलिए लिया हूँ, और छोटा वाला तो आप करेंगे ही, ठीक ना। जैसे कि देख सकते हो ये सब छोटे मोटे थे भाई, तो इसको अपना कर लेना, ठीक। तो अब देखो यार इसको क्या करते हैं, आपको वही पुराना काम कि मान लो कि y = 3x² + 2 और 5x + -7 है इसी। तो अब हम dy/dx करेंगे क्या, नॉमिनेटर वैसा रहे, डिनोमिनेटर को पहले लिख लेते हैं, 5x - 7 हो जाएगा। नॉमिनेटर का अवकलन करोगे, देख सकते हो तो यहाँ से 3 × 6x आ जाएंगे आपके, 3 × 6x, ठीक। माइनस का चिन्ह लगाओगे, देखो फिर इसके बाद क्या लिखोगे, आपका नॉमिनेटर को ऐसे लिखोगे, यानी 3x² + 2, डिनोमिनेटर का अवकलन करोगे तो इंटू 5 आ जाएंगे, यहाँ से देख सकते हो बिल्कुल सा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 5x - 7² करना क्या है, सरल करना है, देखो 6×5 कितना हो जाएगा, 30x² हो जाएंगे, और यहाँ से करोगे तो -7×42 यानी 42x आ जाएगा, ठीक। यहाँ सरल कर लोगे, देख सकते हो -5×3 हो जाएंगे 15x² हो जाएंगे, और यहाँ से कितने हो जाएंगे, 5×10 -10 हो जाएंगे, ठीक ना, कुछ इस तरीके से। और नीचे की बात करें तो 5x - 7² तो अब देखो यार करना क्या है कि सिंपली सा इसको सॉल्व कर लेने हैं। सॉल्व में ये करना है कि 30 में 15 जाएगा तो 15x² - 42x - 10/5x - 7² और गाइस आपके आंसर यही हो जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपका आंसर यही हो जाता है कुछ इस तरीके के। अब देख सकते हो sec x का भी 1/x, मतलब sec x का बोला इन्होंने करने को, तो 1/cos x मान लेना और y बराबर मान के कर लेना। उसी तरीके से tan का sin/cos कर लेना, इस तरीके से मान के कर लेना, cosec का 1/sin मान के कर लेना, x tan x का x को पहला माना, tan x को दूसरा, इस तरह कर लेना। इसी तरीके से करके भाई आपके सभी आंसर यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं, इस तरीके से इनको भी कर सकते हो, और यहाँ पे उनके रिजल्ट लिखे गए हैं इस तरह से देख सकते हो उत्तर। अगली वीडियोस में हम फलनों के फलन का अवकल गुणांक सिखाएंगे, ठीक ना। तो आज की टॉपिक यही थी, जिसमें कि हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी जो कि नॉर्मल किसी को नहीं आती, और ये दोनों फार्मूला आप थर्ड ईयर में भी इस्तेमाल करोगे, जहाँ कि आप मैथ पढ़ेंगे जब मैथ 3, ठीक ना। और इसका रिवर्स होता है समाकलन, यानी इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको, और उसमें इसका रिवर्स, तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होंगी अगर इस फार्मूले को नहीं आएगा सिंपल रहा, ठीक। आई होप आज की वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करना ना भूलो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि हम इसी तरीके से वीडियोस लाते रहते हैं। कोई डाउट्स या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।